धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर में आप कई तरह की नई चीजें ला सकते हैं, लेकिन यदि इस दिन कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक नई झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है, क्या करना है पुरानी वाली झाड़ू का ये भी बताएंगे। ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे ने बताया कि धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ है। सोना चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने के साथ ही इस दिन घर में नई झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। धनतेरस के दिन जब भी झाड़ू खरीदे कर लाए तो उसे फर्श पर लेटा कर लें। झाड़ू को खड़ा रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा घर के कोने में छिपा कर रखा जाता है। झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। माना जाता है कि झाड़ू का आदर करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। दीपावली के दिन मंदिर में झाड़ू दान करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू दान करने से घर में लक्ष्मी आती है। हालांकि दिवाली के दिन दान की झाड़ू धनतेरस पर ही खरीद लेनी चाहिए। कभी भी घर में उल्टा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में कलह बढ़ती है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या फिर छत पर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी होने का भय उत्पन्न होता है।